बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4, दैट इज़ अबाउट बिल्डिंग्स एंड लेसन 8, बिल्डिंग हाउसेज ऑफ क्लास 2, न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान बुक। दिस इज़ द बुक फॉर क्लास 2 एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स यूनिट 4, हुज टाइटल इज़ बिल्डिंग्स एंड the lesson name is building houses. People all over the world live in houses. A house is a place where a family can live together. It is a place where people can keep their things safely. You can ask the students, you can ask your children to tell you about their houses. You can ask them that what is their house made of, how many rooms are there in their house, and why they need a house. We all need a house to live in, and we all need our house to keep ourselves safe and our things safe. Okay, we need our houses to live in the houses and to keep our things in these houses, and we need our houses to keep ourselves and our things safe. Okay, हमें घर क्यों चाहिए होता है? हमें घर अपने रहने के लिए चाहिए होता है, अपनी चीज़ें रखने के लिए चाहिए होता है, और अपने आप को महफूज रखने के लिए और अपनी चीज़ों को महफूज रखने के लिए चाहिए होता है। ओके, यू कैन टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाउस टू द स्टूडेंट्स लाइक दिस। अ हाउस कीप्स अस वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड एंड कूल व्हेन इट इज़ वार्म आउटसाइड। व्हेन इट रेन्स अ हाउस कीप्स अस ड्राई। So you can see how many benefits a house can give us when we are outside, and when it start raining suddenly, we rush towards our house. हम जल्दी से भागते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बारिश से बच जाएं। तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि जैसे जब हम रोड पर जाते हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो रोड पर फुटपाथ वगैरह पर सोए होते हैं। तो वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो जिनके पास घर नहीं है, हु आर होमलेस। ओके, उनको हम कहते हैं होमलेस पीपल। उन बेचारों के पास घर नहीं होते, सो उनकी मजबूरी होती है कि वो वहाँ पर सो रहे होते हैं। ठीक है, सो दे आर होमलेस एंड दे आर हेल्पलेस, एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर लिविंग इन आर होम्स एंड वी आर सेफ फ्रॉम ऑल द थिंग्स, ऑल द हैजर्ड्स, ऑल द वेदर हैज़र्ड्स एंड ऑल द अदर हैज़र्ड्स विच कैन हार्म अस। हम अपने घरों में महफूज हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम हर तरह के बाहर के जो मौसमी नुकसानात हैं, मौसमी हादसात हैं, किसी भी तरह के हादसात हैं, उनसे हम महफूज रहते हैं अपने घरों में रहने की वजह से। ठीक है, अब जैसे ये कोरोना जो है, ये COVID-19 जो है, इसकी पूरी एक वबा फैली हुई थी, तो सब लोगों को सब यही कहते थे, हमें यही प्रिकॉशंस लेने को कहते थे कि आप घरों में रहें, घरों में रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। स्टे होम स्टे सेफ। आपको पता होगा बच्चों कि हम ये स्लोगन बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो गया, स्टे होम स्टे सेफ, विच मीन्स व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेन वी विल स्टे एट होम, वी विल रिमेन सेफ, वी विल बी सेफ। ओके, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेज, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हैजर्ड्स। ओके, सो हाउस इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, ये जो हमारा घर होता है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू आर अल्लाह फॉर प्रोवाइडिंग अस विद अ ब्यूटिफुल होम इन विच वी कैन लिव एंड इन विच वी कैन बी सेफ। तो आप ये अब देखें कि जब जो लोग होमलेस होते हैं, तो अगर बारिश भी हो तो उन्हें बाहर रहना पड़ता है, उनके पास घर नहीं होता। ठीक है, और वो बीमार हो जाते हैं बारिश की वजह से। जब गर्मी होती है तो उनके पास ठंडक के लिए कोई जगह नहीं होती। ठीक है, उनके पास कमरा नहीं होता सोने को, जहाँ से वो अपने आप को धूप से गर्मी से बचा सकें। और इसी तरह सर्दियों में भी उनके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। सो अब हम जब घर में रहते हैं तो हम इन सब बारिश, गर्मी, धूप, सर्दी, हर चीज़ से हम बच जाते हैं। ओके, हियर यू कैन सी स्मॉल हाउसेज हैव ओनली वन और टू रूम्स, बट बिग हाउसेज हैव मोर। ओके, अब हर तरह के जो है वो हाउसेज होते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाउसेज आर सेम और ऑल द हाउसेज आर सेम इन साइज। देर आर डिफरेंट साइजेज ऑफ द हाउसेज, देर आर डिफरेंट मटीरियल्स विद विच द हाउसेज आर मेड। सो सम हाउसेज आर स्मॉल विच हैव लेस नंबर ऑफ रूम्स, एंड सम हाउसेज आर लार्ज विच हैव मोर नंबर ऑफ रूम्स। They may have a drawing room, a dining room, bedrooms, bathrooms and a kitchen. You can see that these kind of rooms are common nowadays in all the homes. We
ये सब चीज़ें जो हैं ये आजकल हमारे घरों में आम पाई जाती हैं. वी ऑल हैव अ बेडरूम, अ डाइनिंग रूम, अ ड्राइंग रूम, अ लिविंग रूम, अ किचन, एंड वी हैव अटैच बाथ्स. ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन इन आर हाउसेज नाउ डेज. सम हाउसेज ऑल्सो हैव अ गार्डन. जो ज़्यादा बड़े हाउसेज होते हैं उनमें गार्डन भी होते हैं. हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स. ओके, ये जो है ये आप फ्लैट सिस्टम ये देख सकते हैं. इट इज़ वेरी कॉमन इन कराची. ओके, यहाँ पे लाहौर में भी आपको कहीं ये कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं, बट ये आपको ऐसी जगहों पे ज़्यादा नज़र आते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. सो वहाँ पर ये फ्लैट सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे आप एक छोटे कम एरिया में यू कैन बिल्ड मैनी फ्लोर्स एंड यू कैन बिल्ड मैनी फ्लैट्स इन विच द विच इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पीपल कैन अकोमोडेट, इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन लिव. हैव यू सीन हाउ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर मेड? आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि कभी उन्होंने कोई घर बनते हुए देखा है या कोई बिल्डिंग बनते हुए देखी है. इट इज़ वेरी कॉमन व्हेन वी गो आउटसाइड कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पे उन्होंने क्या देखा था. वहाँ पे सीमेंट पड़ा होता है, वहाँ पे ब्रिक्स होती हैं, एंड दे आर लेबर्स लेबरर्स हु आर डूइंग देयर वर्क. और वहाँ पर जो है वो इंजीनियर्स होते हैं और वो सब जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं. हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दिस इज़ अ विलेज हट एंड इट इज़ मेड ऑफ मड. इट इज़ मेड ऑफ मड. इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ब्रेक और सीमेंट और एनी काइंड ऑफ मटीरियल दैट इज स्ट्रॉन्ग. ओके, ये मड से बना हुआ है जो आम मट्टी होती है. ये हमारे जो विलेजेस होते हैं उनमें ये पहले बहुत ज़्यादा आम पाए जाते थे. दीज टाइप ऑफ हाउसेज वर कॉमन, बट नाउ डेज इन द विलेजेस ऑल्सो वी हैव द हाउसेज मेड ऑफ ब्रेक्स एंड सीमेंट्स. And in this picture, you can see that this is an under construction double storied house. This is a house which is under construction. ये अभी भी इसकी तामीर जो है ये ज़ेरे तामीर है, इसकी तामीर जारी है और ये डबल स्टोरी है. दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर. ओके, ये आजकल आपको पता है कि हमारे जो आम जो हाउसेज हैं उनका यही जो है वो स्ट्रक्चर होता है कॉमन. सम बिल्डिंग मटीरियल्स. Houses are made of stone, bricks and cement. Many other materials are also used. When a house is built, deep holes are dug for the base and concrete is poured into it. Concrete is made of very small stones mixed with cement. This gives the house a strong foundation. जिन बच्चों ने किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट किया हुआ है या कभी बाहर निकले हैं वो, तो उनके घरों के आसपास जो है वो बाहर कोई घर बन रहा हो या कोई बिल्डिंग बन रही हो, तो वहाँ पे वो आराम से ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पे, उस हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है वो सीमेंट पड़ा होता है. देयर आर ब्रिक्स एंड देयर इज सीमेंट एंड देयर इज कंक्रीट. कंक्रीट हम किसे कहते हैं? ये जो बजरी होती है, ठीक है, वो छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उनको उन्होंने जो है वो मिक्स किया होता है सीमेंट के साथ, ठीक है. तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट दिस इज़ अ लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे एक हाउस नहीं बिल्ड हो रहा, यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है. तो इसमें वो बता रहे हैं कि हम पत्थर इस्तेमाल करते हैं, ईंटें इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए. और भी बहुत तरह के जो मटीरियल हैं वो यूज़ होते हैं. और जब एक घर बनता है तो उसमें गहरी खुदाई की जाती है, ठीक है, और उसमें जो है वो एक बेस बनाई जाती है, यानी कि पहले जो है ज़मीन खोदी जाती है और उसके अंदर जो है वो ब्रिक्स जो है वो लगाई जाती हैं और सीमेंट लगाया जाता है, जिससे उस घर की जो बुनियाद है, उस घर की जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है, ठीक है. उसके अंदर वो कह रहे हैं कि डीप होल्स यानी कि गहरे जो सुराख हैं, गहरी खुदाई की जाती है, आर डग यानी उन्हें खोदा जाता है फॉर द बेस, उसकी बुनियाद बनाने के लिए. एंड कंक्रीट इज पोर्ड इन टू इट, और उसमें बजरी सीमेंट और ये सब पत्थर वगैरह डाले जाते हैं. कंक्रीट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल स्टोन्स मिक्सड विद सीमेंट. सीमेंट और पत्थरों को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको हम कंक्रीट कहते हैं, ठीक है. दिस गिव्स द हाउस अ स्ट्रांग फाउंडेशन. फाउंडेशन का क्या मतलब होता है? बुनियाद, बेस, ठीक है. इससे घर की या किसी भी बिल्डिंग की जो बेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. आयरन और स्टील इज यूज फॉर पिलर्स इन द वॉल्स. द पिलर्स होल्ड
अब द रूफ, अब ये जो आपने देखा होगा कि जो पिलर्स होते हैं, अक्सर यू कैन सी ऑल दीज काइंड ऑफ पिलर्स इन लार्ज हॉल्स और इन मस्जिद। अगर आप मस्जिद जाएं तो आप बच्चों को आराम से बता सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो पिलर्स लगे होते हैं, ठीक है। या कभी जो हमारे आजकल हाउसेज हैं उनमें कॉमनली ये गैरेजेस में जो है वो पाए जाते हैं, जैसे जो बाहर सेहन होता है उसमें ये पिलर्स लगाए जाते हैं जो कि छत को यानी कि रूफ को जो है वो सहारा देते हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर डोर्स एंड विंडोज एंड बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में आपको पता है कि हमारे जो डोर्स हैं और जो हमारा जो वुड वर्क होता है, हमारी जो कबर्ड्स हैं वो सब वुड से बनी होती हैं। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ द मटीरियल्स विच आर यूज टू बिल्ड हाउसेस। दिस इज सीमेंट, दीज आर स्टोन्स एंड दिस इज स्टील, दीज आर द ब्रिक्स, दिस इज क्ले एंड दिस इज वुड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बिल्डर्स। मैनी पीपल हेल्प टू बिल्ड हाउसेज, द पर्सन हु फर्स्ट वर्क्स ऑन अ हाउस इज एन आर्किटेक्ट। अब सबसे पहले यू कैन सी हेयर दैट दिस इज एन आर्किटेक्ट एंड ही इज ड्राइंग अ मैप ऑफ द हाउस। ओके, यानी कि जो भी हमने बिल्डिंग बनानी है या जो हम घर बनाते हैं, पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं, हम उसका एक आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, कि हमने जैसे यहाँ पे कौन सा हमारा रूम होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है हमारा लिविंग रूम कहाँ होगा, हमारा ड्राइंग रूम कहाँ होगा। तो ये जो सारी एक आउटलाइन होती है, एक लेआउट होता है, एक मैप होता है, उसको हम कहते हैं वो कौन बनाता है, वो आर्किटेक्ट बनाता है, ठीक है। बिफोर ऑल द अदर वर्क बिगिंस एन आर्किटेक्ट डिजाइंस द न्यू हाउस एंड ड्रॉज पिक्चर्स ऑफ इट, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है। द आर्किटेक्ट मेक्स अ प्लान विच हेल्प्स अदर वर्कर्स टू डू देयर जॉब्स। अब इसने आर्किटेक्ट ने आपको बता दिया, ठीक है, कि जी यहाँ पर आपका जो है वो पोर्च होगा, ठीक है, कार पोर्च होगा आपका, उसके बाद आपकी एंट्रेंस होगी, देन यू विल हैव योर गैलरी और यू विल हैव योर कॉरिडोर, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव योर बेडरूम हेयर, यू विल हैव योर ड्राइंग रूम हेयर, यू विल हैव योर लिविंग रूम हेयर। इस तरह वो पूरा जो है आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडलाइन दे देता है। उसके बाद जो बिल्डर्स हैं, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने काम करना होता है घर बनाने के लिए, वो फिर उसके उस मैप को, उस लेआउट को, उस डिज़ाइन को सामने रख कर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हर रूम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। Here you can see that this is a plumber and a plumber fits all the pipes and taps. ये जितने भी हमारे ये जो किचन में जो सिंक लगा होता है, जो हमारे वॉशरूम में जितने भी वो सब टैप्स और वो सब चीज़ें लगी होती हैं, वो सब कौन करता है काम, एक प्लम्बर करता है। ओके, एंड अ ब्रिक केल्न वर्कर बेक्स ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग द वॉल्स। ये जो आदमी है ये ईंटें बना रहा है, ठीक है, और ईंटें जो हैं वो एक ख़ास जगह होती है, ठीक है, वहाँ पर बनती हैं और वहाँ से फिर लाई जाती हैं। Here is a laborer digs, lifts, carries things and helps the other workers. These are the laborers and they are helping each other by digging, lifting and carrying things for each other to build the house. Okay. This is a carpenter. He makes the windows and doors. He works with wood. ये जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है उसको हम carpenter कहते हैं, ठीक है। An electrician puts in all the wires and the plug points. जब हमारे घर में कोई चीज़ जो है वो बिजली की जब ख़राब हो जाती है तो हम किसको बुलाते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और वो उसको सही करता है। इसी तरह जब घर बनता है तो उसमें जो सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग और जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सब कौन करता है, वो एक इलेक्ट्रिशियन करता है। आफ्टर दैट अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स एंड द वुडन फ्रेम्स। फिर ये हम पेंट करवाते हैं अपने घर को, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अ हेयर यू कैन सी अ प्लास्टर कवर्स द वॉल्स विद अ स्मूथ लेयर ऑफ प्लास्टर। जब ब्रिक्स लगाकर हम अपनी वॉल्स बनाते हैं तो फिर उसको हम सीमेंट से जो है वो कवर करते हैं और उसको सीमेंट से प्लास्टर करते हैं और प्लास्टर करने वाले को हम प्लास्टरर कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वर्कर्स हु वर्क टुगेदर टू मेक अ टू बिल्ड अ हाउस। Some of these workers also do repair work and make other things. They make small things like tables and chairs. They help to build big things like dams, factories and bridges. और यही लोग हैं जो घर बनाते हैं और यही लोग हैं जो बड़ी बड़ी buildings और dams वगैरह भी बनाते हैं। Now we are going to learn about the tools which are needed to build the houses or buildings. Carpenters, plumbers, electricians and other workers all need tools. अब इन सब के पास कोई ना कोई tools होने चाहिए ना जिनसे ये काम करेंगे, अपने हाथों से तो नहीं कर सकते ना वो लोग काम। Tools help them to do their work. Many thousands of years ago, people did not have tools. They used their hands to do everything. जब आज से कई सालों पहले जो है लोगों के पास जो है वो टूल्स औजार नहीं होते थे काम करने के लिए, तो वो अपने हाथों से काम करते थे, ठीक है। Today people are very clever.
दे हैव इन्वेंटेड टूल्स टू मेक देयर वर्क ईजियर. आजकल लोगों ने जो है बहुत समझदार हो गए हैं, उन लोगों ने अपने लिए डिफरेंट जो है वो टूल्स इन्वेंट कर लिए हैं, मुख्तलिफ औजार ईजाद कर लिए हैं जिनसे वो अपने काम को आसान बना लेते हैं. हु यूज़ दीज टूल्स, वट आर दे यूज फॉर? हेयर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ टूल्स, डिफरेंट टूल्स, एंड दिस इज़ अ हैमर, दिस इज़ अ चिसल, एंड दिस इज़ अ पाइप रेंच, एंड दिस इज़ अ प्लम्ब लाइन, दिस इज़ अ सॉ, इट इज़ अ फाइल, इट इज़ अ ड्रिल, दिस इज़ अ प्लेन, दिस इज़ अ ट्रॉवल, दिस इज़ अ स्क्रू ड्राइवर, दीज आर द प्लायर्स, एंड दिस इज़ अ स्पैनर. दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द टूल्स विच यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, एंड दीज आर यूज टू बिल्ड द हाउसेज. Safety. Tools are useful, but you can hurt yourself if you use them badly. Take care of them. Use them only for the jobs they were made for. As you know, कि हम ये जो tools हैं ये हम बच्चों को नहीं पकड़ाते. ये hammer और ये जो saw वगैरह, ये hammer आपके हाथ पर लग सकती है, ठीक है, आपको चोट लग सकती है. ये saw तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो ये बच्चों को देने वाली ये चीज़ें नहीं हैं. और बड़ों को भी जब इनसे वो काम करते हैं तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए. सो इट वॉज़ द लेसन अबाउट द हाउसेज एंड हाउस बिल्डिंग. फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज and why we need the houses and how many types of houses are there and what are the building materials which are used to build houses and what are the people who build the houses and how many people and what are their names and what works they do. And then in the end we learned about the tools which are used to make the houses, to build the houses. So now here we have the questions related to this lesson. Question number one is, what materials are houses made of? The houses are made of, here is the answer. The houses are made of cement, stone, steel, bricks, clay, wood. Okay, this is the answer. What parts of your house are made of wood? The doors and the cupboards of our house are made of wood. Talk about the differences that you can see between a block of flats and huts on page 40. This is page 40, and here we can see a block of flats and here we can see a house made of mud. It is a very tall building and it is a very small building. It has many floors and it just have one floor. It is very strong building. It is made of bricks and cement and it is not a strong building. It is just made of mud. Okay? And these type of buildings are commonly seen in big cities. And these kind of houses are seen in the villages. So these are the differences. Now question number four is, which of the jobs above would you like to do? These are the different jobs and they are asking the children that what are the different types of jobs which you would like to do. So aapne bachchon se ye poochna hai ki jo